बात करके वो डाल, मैं बोल रहा हूँ वो किधर लिखा हुआ है, चाहता है कि पाप हो, अल्लाह चाहता है कि पाप हो, किधर लिखा हुआ है ऑयल है ये मेरा प्यारा बच्चा उबेदुर। भाई? आज तो उबेदुर मेरा सच्ची का बच्चा एकदम तू है, तू बात करके करना वो सच्ची तो मैं वाला एच मुस्लिम बोलूंगी। बनेगा। अच्छा लेकिन इसके लिए तो इसको इंग्लिश तो आती नहीं। एक्स मुस्लिम को तो मैं ना जमीन का ना आसमान का किसी के चीज का नहीं समझ रहा हूं मैं, ना किसी चीज का नहीं हो, ना जमीन का है ना आसमान का। एक्स मुस्लिम इंग्लिश आती है तेरे को तुम बात करो उबेदुर? ना, हाथ आग की बात करो, चलो हाँ रुक जा मैं थोड़ा, बोलना तेरे इसकी लिए बात मत उर्दू करो। का। अरे भाई हाँ उर्दू उर्दू ये में वो, हदीस निकाल रहा ये हूं। कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, कैरेक्टर की बात मजा नहीं आएंगी, ये किससे बात कैरेक्टर कर जो रहा भाई लिखोगे ये? इसमें मजा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है कि पाप करो, लिखा है अल्लाह ने कहा है, ऐसा लिखा कहाँ है इंग्लिश ये आती है बताओ। तुमको? इंग्लिश आती अरे है? अच्छा इंग्लिश का बाप हूं मैं, इंग्लिश का बाप हूं चलो फिर अभी मुझे, इंग्लिश ही इंग्लिश चेंज के करता माने हूँ। माने कुछ भी नहीं, इंग्लिश माने क्या है, इंग्लिश जहालत है। इंग्लिश जहालत नहीं तो क्या है, ये तुम्हारी इंग्लिश, ये तुम्हारी साइंस, अब जहालत में मानता हूँ सबको, जो जो है ना मैं समझता हूँ, ये जो है घुटना है, ये घुटने पे दिमाग रख के चलने वाली चीज है, समझे। और जो हमारा दीन है ना, वो जो है ना दिमाग से दिमाग है, लगाती है पूरे माशरे को, पूरे इंसानियत को, जितने भी एक्सीडेंट, हादसे, कुछ भी होता है, या कोई भी हर्ब होता है उसके ऊपर ये रास्ता देती है। हम भाई इल्म लोग इसको मानते हैं, हम इसको मेजर इल्म मानते हैं, जो दिमाग से इंग्लिश दिमाग जहालत लोगों को, है साहिल। इंग्लिश, इंसान से अरे इंसान एडम को साहब जोड़ती इंग्लिश तक रुकता तो ठीक भी रहता। इंग्लिश। ओबेदुर कह रहा है कि अरे इंग्लिश और साइंस सारी जहालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे भाई उल्टा चलने वाली है। हाँ बला जुबान है अरबी, हमारी जो अरबी जुबान है ना, जो है ना, हाँ जो अरबी वो सीधा चलती जुबान है, जो है ना, वो सीधा चलती है। ये बलागत वाली जुबान कहते हैं इसे, क्या अच्छा कहते हैं, बलागत। बलागत किसको कहते हैं, यानी हर लिसान के पीठ पर सवार होने वाली लिसान, हर लिसानों के पीठ पर सवार होने वाली लिसान ये है, समझे। सब लिसानों की पीठ पर सवार होने वाली लिसान कहते हैं इसे। यार ओबेदुर तू कौन सा माल मैं फूकता है तुझे भाई? बता तो उसी में है, उसी में बात करना चाहिए था, अच्छा है। ओबेदुर तू कौन सा माल फूकता प्यारे भाई? क्या 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 क्या, ये कौन सा, कौन सी चूचू कुकू कर रहा भाई, कौन सा माल फूकता तू भाई? माल भाई, हाँ विमल ये का मेरे को क्या, विदाउट निकोटीन वाला हो भी एडम साहब, विदाउट आसमान गिरने का निकोटीन। बैठने का है क्या, प्रोटीन वाला माल बैठ के आसमान गिरने वाले लोग ये सब करते हैं, अच्छा उबेदुर ये सब आपने हराम कहा है, आपको उसको तो इंग्लिश कोड़े आती मारते है, हैं ना आप भाई। इंग्लिश के बाप है। उबेदुर आपने कहा इंग्लिश आती है, इंग्लिश का इंग्लिश बाप के ने बाप तो है आप। क्या है, बोल पढ़िए तो रहा जरा, हूँ, आपके नहीं सामने बोल हदीस है, तो रहा पढ़िए। हूँ, इंग्लिश माने कुछ नहीं भी नहीं होता है, अरबी अरबी पढ़ेंगे? अच्छा अरबी चलिए अरबी एडम बोला साहब, जुबान। ये सस्ता अरब नहीं है, ये ओरिजिनल अरब है। जी मैं कहता अरे हूँ वाजिब। हाँ भाई, भाई पढ़ो अरबी, यहां से पढ़ो। अच्छा अबी अल्लाह हुरेरा कहते से हैं कि गुनाह करो, अबू पढ़ो। हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, उसके हाथ पे रखा है, अगर ना तुम जुनूब करो, जुनूब जुनूब यानी नब्ज पे होकर कुछ ऐसा अमल करना जो गुनाह कराता है, मैं तुझे ये भी नब्ज सुना दे पे रहा हूँ, जिसके माने आगे बराबर आगे। से हाँ बराबर ठीक है आगे। अच्छा से बराबर से तौफीक हो। जुनूब कहते हैं नब्ज, नब्ज कहते हैं नफ्स और नब्ज के साथ गुनाह करने को, नफ्स और ठीक है नब्ज के साथ, नब्ज
हाँ अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ है और जिसने मेरे नफ्स को उसके हाथ पे रखा है, तुम नहीं गुनाह करोगे रहब के लिए, अल्लाह अल्लाह पे रहब के लिए, रहब कहते हैं सोने को, और खूब चलने वाले को, रहब कहते हैं खूब चलने वाले को और सोने को, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाजा अबिकमिन युजम युजनिबूना, ये वल्लाजा अबिकमिन, और तुम्हारे कौम के साथ आप और तुम्हारे कौम के साथ, तुम्हारे कौम के साथ हमें जुनूब जुनूब के साथ आता है। क्या लिखा है? अल्लाह अगर ये मैं शुरू से पहले पढ़ देता हूँ ताकि बराबर से वाकई समझ में आ जाए सूरत और ये समझ में। अगर ना तुम क्या चाहते हो बाद में उसको कर देना। अरबी की बैंड बजा दिया भाई, इससे पूरी अरबी की बैंड बजा दिया। बहुत अक्कल होता है वो लोग, दिमाग है करने के लिए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। सुन भाई पढ़े लेने देंगे कितना पड़ेगा, जल्दी चालू हो जाता है कि कुछ समझ भी नहीं आता है, एक एक वाक्य भी नहीं समझ में आएंगे, फायदा ही क्या होगा इसके अंदर। अगर तुम ना गुनाह करो ना जुनूब करो रहब के अल्लाह अल्लाह के तरफ चलने के लिए तुम्हारे साथ और कौम के साथ आने के लिए हमारे के लिए। तो अल्लाह को इस्तिगफार करो तो उसके लिए तो हमारा उनके लिए इस्तिगफार है, इसका बस यही लिखा हुआ माना। इसका क्या माना लिखा हुआ है भाई, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही तो लिखा हुआ है, देखना भाई वही तो लिखा हुआ है, दूसरा कुछ समझ में आया क्या? सुन कुछ समझ में आया क्या? ये पढ़ जो उर्दू में लिखा है वो पढ़। अच्छा चल ले उर्दू में दिखा दे, यहाँ से पढ़। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह तुम्हें तुम्हें ले जाता और ऐसी कौम लाता जो गुनाह करती फिर अल्लाह से मगफरत मांगती तो अल्लाह उन्हें माफ करता। मगर ये तो ये चीज तो नहीं लिखी हुई है, ये हदीस पहले खोला था तो ये चीज तो नहीं लिखी हुई है ना इसमें। अबे तेरे को अरबी नहीं आती है, वही हदीस है। अगर तुम गुनाह ना करो अल्लाह तुम्हारे साथ ले आता, तुम्हारे साथ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे साथ लेकर चला जाता और मत और कर भाई, जो लिखा है ऐसी कौम लेके आता तो गुनाह करती और इस्तगफार करती तो हम इस्तगफार करते हैं। ज़ाहिल एक बार फिर इससे दोबारा पढ़ा ले, ये दोबारा पढ़ा ले, अबू हुरैरा से रवायत है, बस रसूलुल्लाह पर देख दो दोबारा। ये पढ़ उबैदुल, फिर से उर्दू पढ़ जरा। अरे ये सही लिखा हुआ है ना भाई मेरे, पढ़ तो सही एक बार। अच्छा अबू हुरैरा से, हाँ। और जिसने और यहाँ से पढ़ तुम अबू हुरैरा, मैं अरबी से पढ़ता हूँ, रुक जाओ। अरे भाई तू तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, गुनाह ना करो भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू अरबी मत पढ़, तुझे नहीं आती अरबी, तू पूरी उसकी खाल उखाड़ देगा तू, बराए मेहरबानी उबैदू नहीं पढ़, जो तेरे उलेमा ने ऑलरेडी तर्जुमा करके दिया है उस पे रहे भाई, तूने पूरी बैंड बजा दी अरबी की। आ आ वो ओला ऐसा जुनीब जुने अजनब से आता है उसका करते हैं, वो बोला ऐसा नहीं होता, क्यों कर रहा भाई उबैदुर, नहीं हो पाएगा तेरे से। उर्दू जो है उतना पढ़
ताकि मालूम पड़े तुझे कि हदीस में क्या है, प्लीज भाई मेरे बोलना हो तो खुल के बात कर। खाली का खाली मक्खी के जैसे बैठ रहा, एक टाइम पे सबर नहीं है, नाक के ऊपर मक्खी बैठी उसको हाथ से उड़ा दिया। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले एक टाइम भी नहीं रुकता यार, एक टाइम भी नहीं रुकता यार, एक टाइम भी नहीं। अरे तो स्वाद से हारमोनियम खाते थे यार, करेंगे जरा कुछ स्वाद से बात। मैं तो सही तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, वो तो नीचे गलत तर्जुमा लिखा हुआ है। अच्छा ये तर्जुमा गलत लिखा हुआ है? तो गलत तो लिखा है मगर उसी तरह से है, थोड़ा मिस्टेक लगा मेरे को, इसके लिए मैं अरबी पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा मिस्टेक है। पहले लापरवाही करने दीजिए के तर्जुमा इन लोग ने गलत लिखा हुआ है, मेरे को गलत लगा इस वजह से मैं अरबी पढ़ रहा हूँ। एडम साहब मौत आ जाए लेकिन लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए। मौत ओ माय गॉडनेस, ओबेद जैसा लाइफ में कॉन्फिडेंस ना आए। पता क्या, इसके बाप का कॉन्डम फट गया था उस रात। तो ये पैदा, वो भी नहीं चाहता था कि ऐसी औलाद पैदा हो। इसका कॉन्डम फट गया था, ये पैदा हो गया। ओह माय गॉडनेस। अरे लेकिन इतनी बेइज्जती कराना क्यों है भाई? चुपचाप तो रहे, तुम्हारे उलमा ने उधर तर्जुमा करके दिया हुआ है, चुपचाप वो पढ़ो ना। और वो पढ़ोगे तो एक साफ मीनिंगफुल स्टेटमेंट आप समझ सकोगे कि बोल क्या रहा है। अरबी में आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी नहीं हो रहा आपसे। नबीज है, ये क्या है, जुनूब है, अजनब से आता है, ऐसा कौन पूछ रहा तुमको अजनब से आता नहीं आता है, लिखा क्या है सिर्फ वो बताओ। उधर आपने एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, आप जब तर्जुमा कर रहे थे कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट आपने दिया उबेदुर? क्योंकि आपको नहीं पता, इक्का दुक्का आपने अरबी वर्ड बस सीख लिया होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं आता है। प्लीज उबेदुर साहब, डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको अरबी नहीं आती है तो आपके उलमा ने जो तर्जुमा वहां पे किया हुआ है वो आप उसको पढ़िए और हमें बताइए। प्लीज उबेदुर साहब, देख भाई मेहरबानी करके, भाई तुमको बोल रहा हूँ मक्खी की तरह मत आओ, आओ जरा इंसान की तरह आओ। मक्खी है कि वो गंदगी पे ही बैठती है, और या तो फिर मिठाई पे ही बैठती है, तो वो कोई इंसानियत नहीं होती है मक्खी की तरह का। एक मिनट, मक्खी की तरह ना हो, वो गंदगी में बैठती है या फिर मिठाई में बैठती है। तो अब मिठाई बुरी होगी क्या? ये क्या बंदा है यार, मारो मुझे, मारो। इसका दिमाग बहुत खतरनाक है आदम साहब, बहुत खतरनाक दिमाग है इसका भाई। अभी सोचो आपके इस्लाम का दिफा करने के लिए मुसलमानों के पास ये उबेदुर जैसे लोग ही बचे रह गए। इसकी मक्की या तो गंदगी में बैठती है, मिठाई में बैठती है, और कहीं नहीं बैठती। जो मोहम्मद ने कहा था मक्खी अगर तुम्हारे पानी में गिर जाए तो डोबे डलवा के निकाल के पी लेना पानी। वो किधर गई, वो वाली मक्की किधर गई जो पानी में बैठती थी? अच्छा उबेदुर से ही पूछ लेते, चलो उबेदुर की ये सब डिस्कस करने की बात ही नहीं है। उसको जब अरबी आती नहीं और जो उर्दू लिखा हुआ है वो पढ़ेगा नहीं, वो तो इससे एडम साहब बात करेंगे कैसे? हम कोई इस पे तो तीसरा कोई मक्की में बात कर ले आप,
मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है, इस बात कर ले जरा। अच्छा उबेदुर, हम आपसे इस पे तो डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको अरबी आती नहीं और जो तर्जुमा लिखा है आप मानते नहीं है, इसको छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, ये हदीस सुनो उबेदुर, क्या ये हदीस सही है कि आपके रसूल ने कहा कि मक्खी अगर आपने, अरे किससे बात कर रहे हो इतनी रात में उबेदुर? मेरे बच्चे लोग से बात कर रहा हूँ भाई, मेरे बच्चे लोग मुझे बहुत दिखते हैं इधर उधर। अच्छा अभी सुनो मेरी बात। अच्छा, आपको क्या ये हदीस पता है जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि भाई मक्खी अगर आपके पानी में या दूध में गिर जाए तो उसको डुबो के आपने पानी पी लेना है या दूध पी लेना है, क्योंकि एक पंख में शिफा है और एक पंख में जो है वो बीमारी है। ये बात मालूम है आपको आपके रसूल की? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ। अच्छा तो अच्छा उबेदुर, क्या मिस्टेक है उसमें? नहीं मिस्टेक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप समझो कि चाय पी रहे हो, हाँ। सुन तो लेना भाई, आप चाय पी रहे हो, आप ये जाते हैं, मैं जरा सा बोलता हूँ तो, अरे भाई जरा मजबूत हो क्या रहे यार भाई, ताकत विकत करके बात करो यार, इतना यार हिल जाओगे तो फिर तो यार कायदे साफ हो जाएगा फिर नीचे से। ओके मैं अपनी बात रखू उबेदुर साहब? रखिए ना यार, आपकी इज्जत। अच्छा उबेदुर, एक मक्खी जो है घूम फिर के टट्टी उट्टी में बैठ के आई, ठीक है, आपको नहीं मालूम, टट्टी उट्टी में बैठ के आई मक्खी, और वो आपके, आप नागौरी में बैठे हुए थे दूध लेके बनमस का खाने के लिए, तो दूध में आपके गिर गई। अब उस मक्खी को आप डुबो के अंदर, फिर वो दूध पिएंगे? आधा आधा, हाँ हम पिएंगे उसको, पिएंगे। हाँ एडम साहब पिएंगे। अरे भाई तू उछल किधर रहा है भाई, मक्खी के माथे तेरे साहिल कहाँ उछल रहा है यार? साहिल यार वो पिएगा यार, क्यों उछल रहा है? अरे यार इसके सर में मक्खी जितना भी दिमाग नहीं है। अरे यार मक्खी जो मक्खी जितना इसको थोड़ा बैकस्टेज करता, अब ये पागल हो गया है, इसको थोड़ा बैकस्टेज करके हम अपनी बात रख ले। मैंने इसको क्या मिसाल दिया था कि एक मक्खी टट्टी में बैठ के आई है, वो इसने खुद कहा था कि सिर्फ टट्टी में बैठती है या मिठाई पे बैठती है। हाँ, तो टट्टी पे बैठ के आई, ये नागौरी में मस्त एकदम मलाई वाला दूध मंगाया इसने उबेदुर ने, मक्खी वो टट्टी वाली मक्खी आके इसके दूध में गिरी, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं मक्खी को डुबा के अंदर, ताकि वो दूसरा पर भी उसमें डूब जाए, डुबा के उसको निकाल के वो दूध पिएगा। ये आप सोचोगे मुसलमानों की अकल है उनके नबी ने कहा कसम। ठीक है उबेदुर, ओके क्या और क्या हारे तो इसमें क्या 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 इसका इसका प्रूफ करती है ना साइंस, इसका प्रूफ होता है बीमारी, और एक पर में इलाज होता है उसके। ए भाई अभी थोड़ी देर पहले जब तू स्टार्टिंग में आया तूने तो तभी कहा कि साइंस तो जहालत है, अब तू साइंस का सहारा ले रहा है। सुन भाई सुन, मैं पहले क्या बोला था? साइंस जहालत है बोला था। ये साइंस जो है घुटना है, और जो हमारा हमारे हमारा जो नाटक है, हमारा जो दीन का मंतक है ना, दीन के अहकाम है ना, वो सर है, तो तुम्हारा जितना जो दिमाग है ना वो घुटना है घुटना, समझे? और ये हमारा दीन जो है वो सर है, वो कैसे, ये तमाम मुआशरे के दिमाग को खोलती है सबील पे, इसलाह करती है लोगों के मामले का,
इस्लाम तेरा इस्लाम कब करेगी? बराबरी करती है, बराबरी करती है। ये अहकाम है, अहकामात हैं। अगर इससे जो हटता है तो वो ऐसा है जैसे वो एक मुर्दा है, जो ऐसा है कि एक मुर्दा है जिसका जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, जिसे कोई कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो जाहिल है, जाहिल है। उसका अर्ज करना भी जो होता है वो लोगों के किसी वजह के लायक नहीं होता है। उससे लोग अर्ज करना अपनी इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट है। अच्छा उबेदुर, अभी जो साइंस की बात कर रहा था, अभी चुप हो जा, खामोश हो जा। ओके, अभी साइंस की आप बात कर रहे थे उबेदुर साहब, तो साइंस तो ये कहती है कि हाउस फ्लाइज आर नॉट द नीटेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, दे विजिट सच प्लेसेस एज डम्प्स, सीवर्स एंड गार्बेज हीप्स, दे फीड ऑन फीकल मैटर, डिस्चार्जेस फ्रॉम वुंड्स एंड सोर्स, स्प्यूटम and all sorts of moist decaying matter such as spoiled fish, eggs and meat. तो ये जो तुम्हारी मक्खी है ये सारी गंदगियों में रहती है, गंदा खाना ही ना खाती है। और ये फिर कहता है साइंस के हाउस फ्लाइज आर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग एटलीस्ट 65 diseases टू ह्यूमंस, इंक्लूडिंग टाइफॉइड फीवर, डिसेंट्री, कॉलेरा, पोलियोमाइलिटिस, यॉर्स, एंथ्रेक्स, टॉलेरेमिया, लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। फ्लाइज रिगर्गिटेट एंड एक्सक्रीट वेरेवर दे कम टू रेस्ट एंड देयर बाय मैकेनिकली ट्रांसमिट डिजीज ऑर्गेनिज्म। तो भाई साइंस तो ये कह रही है कि ये मक्खियां जो गंदगी पे बैठती है वहां से वो बीमारी लेके आके आपको बीमार कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी। तो तू कह रहा है कि साइंस बता रही है कि उससे बीमारी ठीक हो जाती है, ये कौन सा साइंस तू पढ़ा भाई जो हमने नहीं पढ़ा है? पहले बात ये है, हाँ ये सब झूठे हैं, सब डॉक्टर लोग, रिसर्चर लोग सब झूठे हैं। साइंस ने इसके बारे में रिसर्च की है, दूसरी रिपोर्ट है, उसके अंदर बताते हैं मक्खी हाँ। के परमेश शिफा और एक पर में उसके गंदगी पाई जाती है, एक पर में शिफा पाई जाती है। ये कौन से साइंटिफिक जर्नल में आया है, जरा पेश कर, जरा पेश करना छोड़ता हूँ, बाद में पेश करूंगा उसको बहुत अच्छी तरीके। अलादर यूनिवर्सिटी, अलादर यूनिवर्सिटी, अपनी पीली और लाल मत करो। हाँ पहले तुमको बताता हूँ, ये जो मक्खी होती है मक्खी जो होती है उसके पर में शिफा होता है, और ये होता है, ये ज्यादा उबेदुर साइंस तो सुनना, उबेदुर साइंस तो छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई के लिए फोन तो सही। उबेदुर तेरी बात है ना, उबेदुर वही जो बात करता है तो हम लोग देखो बेदुर ये ना इंसाफी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। अभी मैं देखो बैकस्टेज कर रहा हूँ, तू मजबूर कर रहा है। एक तो तू 0.25x पे बात करता है, उस पे खींचता अलग है। साइंस हो गया बोले थे दिमाग घुटने पे, एक तो तू 0.25x प्लस उसको राग में तू बात करता है, तेरे को याद नहीं रहता कि आगे का तेरे को स्टेटमेंट क्या बोलना है, वर्ड्स क्या चुनाव करने हैं, तेरे को याद नहीं रहता। चल ठीक है, उसके बावजूद भी हम लोग तेरी बात सुनते हैं, और आज तो तेरे को इतना मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, तो थोड़ा हमारी भी सुन लिया कर ना प्यारे भाई। में उबेदुर ऐसा क्या करता है प्यारे? मेरा सवाल तेरे से ये है कि साइंस तो तेरे बस की बात है ही नहीं, उसको छोड़ दे अभी, लेकिन कम से कम एक अपना कॉमन सेंस लगाओ बेदुर, कि मक्खियां जो है गुड़ टट्टी और गंदी जगह पे बैठती है, वो तेरे खाने में या तेरे ड्रिंक में आके गिर जाए,
तू उसको डुबो के तू वो पी लेगा, तेरे को थोड़ी भी गंदगी कराहियत महसूस नहीं होगी उबेद? वो भी काफिरों की टट्टी, किसी हिंदू की टट्टी पर बैठ गई थी। हाँ उबेद बोल। भागने क्यों लग जाता है भाई, जब 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 मैं अपने इसके ऊपर अटका हुआ कि मैं जब तक तुम लोग बात पूरी नहीं करते बोलता नहीं, भागने की काय को जल्दी पड़ी रहती है। मैंने सवाल तो किया उसका जवाब दे दिया। सुनने का सुनो, मक्खी जो होती है उसका जो स्किन होता है ना समझे, जब वो बैठती है किसी भी चीज पर टट्टी पर, वो अपने इस यहाँ टट्टी पर अपनी स्किन को इस तरह साफ कर देती है कि उसके ऊपर कोई गंदगी होता नहीं है, भले ही वो खाती है उस चीज को भाई। अब तेरे को थोड़े के थोड़े देर के लिए डाउट कर रहा हूं मैं, इधर रुक यार। उबेदुर क्या बोल रहा है, नया इसने स्टडी की है भाई, रिसर्च की है मक्खियों के ऊपर। ये बोल रहा है कि मक्खी अगर किधर बैठती भी है तो अपने आप को ऐसा झाड़ लेती है कि वो साफ हो जाती है। नहीं नहीं वो थोड़ा सा बताना भूल गया था साहिल भाई, मक्खी अपने साथ जो है ना शैम्पू